हेलो फ्रेंड्स, आज इस पंजाबी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ मसाला चाय और चाय का मसाला कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये चाय का मसाला सर्दियों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और साथ में ही आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा। इसलिए अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और साथ में दिए बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। आइए फ्रेंड्स, आज बनाते हैं मसाला चाय जो कि सर्दियों में बहुत ही लाभकारी होती है और आपके इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करेगी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले चाय का मसाला तैयार करूंगी, जिसके लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो आपको बता देती हूँ। हरी इलायची मैंने 30 ग्राम ली है, दालचीनी भी 30 ग्राम ली है, स्टार फूल भी मैंने 30 ग्राम लिया है और चौथा लौंग वो भी 30 ग्राम लिया है। इन सबको हम मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे और इसका मसाला ब्लेंड कर लेंगे। तो ये हमारा मसाला देखिए ग्राइंड होके तैयार हो गया है और ये देखो मैंने इसको बारीक पीस लिया है। अब हम इसे मसाला चाय बनाएंगे जो कि सर्दियों में सबको अच्छी लगती है। तो आइए फ्रेंड्स, चाय बनाना चालू करते हैं। गैस पे मैंने पैन रख दिया है और उसमें मैं 1.5 कप पानी डालूंगी। मैंने चाय का कप ही लिया है और उसको मैं मेजर करके 1.5 कप पानी डाल रही हूँ। पानी आप कम ज्यादा भी डाल सकते हैं अगर आपको ज्यादा दूध वाली चाय पसंद है तो। मैं 2 कप चाय बनाऊंगी। अब मैं पानी में चाय का मसाला डालूंगी जो हमने बनाया था। मसाला बहुत ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा बस स्पून, छोटा स्पून से थोड़ा सा मैं डाल दूंगी। अब पिंच ऑफ मसाला। अब हम इसमें थोड़ा सा अदरक कूट के डालेंगे। अदरक हम 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेके उसको पीस के डाल देंगे। चाय की पत्ती हम 1.5 चम्मच डालेंगे। अब इसमें हम बॉयल आने देंगे। इसमें मैं 1 पत्ता तुलसी का डालूंगी, इसको मैं 2-3 पीसेस में करके डाल दूंगी। और चीनी हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें 1 कप दूध डालूंगी। अब हम बॉयल आने तक वेट करेंगे। अब हम चाय को 4 से 5 बार बॉईल करेंगे और बॉईल होने तक हम वेट करेंगे। ये चाय जो है इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगी क्योंकि इसमें हमने जो भी मसाले डाले हैं वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। और आजकल जैसे कोरोना चल रहा है तो कोरोना काल में तो इम्यूनिटी बूस्टर चाय हो तो फिर क्या मजा। अब हमारी चाय बनके तैयार हो गई है। अब हम इनको कप्स में छान लेंगे। ये देखिए चाय पे कलर भी आ गया है। अगर आप कड़क चाय पीना चाहते हैं तो पत्ती भी और डाल सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब चाय को हम कप्स में छान लेंगे। अब आप इसको किसी भी बिस्किट या मठरी के साथ सर्व कर सकते हैं।